एक हंसता खेलता इंसान और उसका परिवार जब गहरी नींद में होता है और अगले ही क्षण ये नींद एक भयानक सच्चाई में बदल जाती है और वो अपने साथ साथ परिवार को मलबे के नीचे दबा हुआ पाता है। ऐसे में खुद बच जाना या अपने परिवार को जीवित देखना उम्मीद से परे हो जाता है। जब जब विपदा जीवन पर भारी पड़ती है, संकट की काली रात काल सी बढ़ती है, पल पल में आभास प्रलय सा होता है, बेबस लाचारी में दबकर जीवन रोता है, ऐसे में अपनी जान हथेली पे रख के वो आते हैं। तूफानों से घबराना उन सब का काम नहीं, आपदा सेवा सदैव कहां करते विश्राम कहीं। दक्ष वीर रक्षक मृत्यु से लड़ जाते हैं, जीवन का दीप न बुझ पाए यही अड़ जाते हैं, मानवता और समर्पण का वो पाठ पढ़ाने आते हैं। वो हाथ हमेशा हाथ पढ़ाने आते हैं। वो और कोई नहीं, हमारे देश की जांबाज प्रशिक्षित और समर्पित आपदा मोचन बल एनडीआरएफ। ये इस मंच का सौभाग्य है कि इस टीम के अधिनायक और कुछ साथी आज हमारे बीच हैं। बहुत ही सम्मान और आदर के साथ इनका तालियों के साथ अभिनंदन किया जाए। ये गर्व की बात है पूरे देश के लिए कि पूरे विश्व में एनडीआरएफ जैसा कोई फोर्स नहीं है। कहने का मतलब है, मैं देशवासियों को बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई राज्य नहीं होगा सितंबर के अंत तक जहां एनडीआरएफ का फुटप्रिंट एनडीआरएफ का प्रेजेंस ना हो। क्या बात है, बहुत बहुत। कोई प्रैक्टिकल टिप्स हो डिजास्टर से संबंधित हो और जो आप हमारी आज की जो जनता हमारा शो देख रही है उनके उपयोग में आ सके। अब इसमें सर ये मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, देखने में ये हम अक्सर बोतलें इस्तेमाल करते हैं, खाली बोतलें, इसको इस तरह से बांधिए और अपने शरीर के इधर लपेट लीजिए, ये आपको डूबने नहीं देंगे, आपकी लाइफ जैकेट बन गई। ये देखिए सर, ये क्या है, नारियल है? ये देखिए सर, ये सूखा नारियल है। हमको कहीं नारियल मिलते हैं या इसका जूट मिलता है तो उसको हम इस तरह से रस्सी बना के इसमें बांध देंगे और ये भी आपके लिए एक लाइफ जैकेट है। आपने इसको बंद कर दिया है, किसी तरीके से बांध दिया है और ये एक बहुत अच्छा लाइफ जैकेट है। ये तो ये आपका एक लाइफ सेविंग इक्विपमेंट या लाइफ जैकेट बन सकता है। इससे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि घर की चीज़ों को इस्तेमाल करके, जनरली पब्लिक को ये पता नहीं होता है। कम्युनिटी सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, कम्युनिटी अपने आप को बचाना सीखे, हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।